तो चलो भाई साहब, बात करने वाले हैं अपने किंग खान शाहरुख खान के बारे में। कल से ये जो न्यूज है काफी चर्चों में था और काफी सारे लोगों की तरफ से यही क्वेश्चन था कि अब डॉन 3 से तो शाहरुख खान ने अपने आप को बाहर कर लिया है, यानी डॉन 3 के अंदर अब शाहरुख खान नहीं होने वाले, उन्होंने मना कर दिया है। अभी तो जवान आ रहा है, उसके बाद डंकी आएगा, देन उसके बाद क्या कौन से फिल्म शाहरुख खान करने वाले, क्या वो बॉलीवुड डायरेक्टर के साथ करेंगे या फिर साउथ डायरेक्टर के साथ करेंगे, कौन से बड़े फिल्म वो साइन करने वाले हैं, आज के इस वीडियो के अंदर वही हम बात करने वाले। अगर आप लोग शाहरुख भाई के फैन है, शाहरुख भाई के मूवीज को देखना चाहते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कुछ भी बताने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ, डॉन 3 के अंदर से शाहरुख भाई ने जो एग्जिट लिया है क्या वो सही था या फिर गलत। मेरे हिसाब से पर्सनली अगर बात करें तो भाई डॉन 3 शाहरुख खान के करियर का एक अलग ही अंगार वाला फिल्म होने वाला था। कह सकते हो कि ये कैसा फ्रेंचाइजी है और इस मूवी के अंदर शाहरुख भाई का जो रोल है, जो कैरेक्टर है, उस रोल के अंदर, उस कैरेक्टर के अंदर हर शाहरुख खान फैन उनको देखना चाहता है क्योंकि रोल बहुत जबरदस्त है, मूवी काफी जबरदस्त है और ये फ्रेंचाइजी काफी जबरदस्त है। तो फैंस के अंदर एक इमोशन है कि भाई ये आए, लेकिन इसका कोई अपडेट नहीं आ रहा था। तो हाल ही में जब ये अपडेट निकल के आया कि हाँ भाई कन्फर्म हो चुका है, एंड उसके बाद देन ये थोड़ा सा खुशी देके थोड़ा सा यहाँ पे ये खत्म कर दिया कि भाई शाहरुख भाई नहीं होने वाले, उसके बाद से तो ये बवाल हो गया। क्या कहना है आप लोग इस विषय में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हैं। एज ए फैन आपका क्या कहना है, क्या ये जो एग्जिट लिया क्या वो सही था या फिर गलत। वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में बताओ एंड देन वीडियो को कंटिन्यू करो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वो डायरेक्टर है जिनके साथ शाहरुख भाई अपना नेक्स्ट मूवी करने वाले हैं। तो डायरेक्टर का नाम है संजय लीला भंसाली। जी हाँ, आई होप कि मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि ये डायरेक्टर कैसे डायरेक्टर है। उनकी अपकमिंग मूवीज की बात करें, टॉप मूवीज की बात करें, तो आलिया भट्ट के साथ गंगूबाई काठियावाड़ी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर गोलियों की रासलीला, रामलीला, जहां पे दीपिका पादुकोण एंड रणबीर सिंह का करियर ही बदल गया था उस मूवी के बाद, एंड उसके बाद आ रहा है पद्मावत, जिसके अंदर भी दीपिका पादुकोण का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा था। तो कह सकते हो कि संजय लीला भंसाली इज अ फाइनेस्ट डायरेक्टर, और वो जिस तरीके के मूवी बनाते हैं, जैसे मूवी बनाते हैं, जो कहानी चूज करते, जो कैरेक्टर्स में डेवलप करते हैं भाई साहब, वो अलग ही लेवल होता है। तो शाहरुख भाई, संजय लीला भंसाली, ये नेक्स्ट हो रहा है। और इस मूवी का अनाउंसमेंट कब होगा, देखो ये अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं है कि हाँ भाई ऑफिशियल हो चुका है, ये कुछ तगड़े ट्रस्टेड सोर्स से यहाँ पे पता चल रहा है कि नेक्स्ट जो है शाहरुख भाई जो है संजय लीला भंसाली डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं, और इसका जो अनाउंसमेंट है वो भी डंकी मूवी के बाद ही अनाउंस होगा। जी हाँ, डंकी मूवी रिलीज होगा उसके बाद ही अनाउंसमेंट होगा कि शाहरुख भाई का जो नेक्स्ट मूवी है वो संजय लीला भंसाली डायरेक्टर के साथ ही होने जा रहा है। क्या कहने आप लोग इस विषय में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। आपको ये डायरेक्टर कैसा लगा, आप कितना एक्साइटेड उस चीज के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। और डॉन 3 से जो है उन्होंने एग्जिट लिया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना है, क्या करना चाहिए था नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। सो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे ऑफिशियल न्यूज आएगा हम आपको जरूर से अपडेट करने वाले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।